हेलो एवरीवन वेलकम टू आई एग्जाम बी मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर तो मेरे पीछे आप एक इमेज देख रहे हैं एक फोटो देख रहे हैं ये फोटो मैंने निकाला है कहाँ से हमारा जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है उसकी जो उसका जो होम पेज है उसकी वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो होम पेज है ये वहाँ का फोटोग्राफ है वहाँ का ये कटआउट है और ये क्यों लगाया है मैंने क्योंकि इसके पीछे भी एक खास बात है आज ही क्या हुआ था सुबह के टाइम एक इनका नोटिफिकेशन आया था शॉर्ट नोटिफिकेशन था उसमें उन्होंने कुछ वैकेंसीज के बारे में बताया था कि ये वे कुछ वैकेंसीज वैकेंसीज हैं हैं इसके बारे में हम अभी लेने वाले हैं। उसके कुछ ही टाइम बाद दो तीन घंटे बाद ही क्या हुआ इन्होंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मतलब जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था उसका उन्होंने फुल डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो आ गया था और उसमें बताया गया कि किस तरह की भर्तियां हैं कभी एग्जाम होने वाला है क्या क्या उसकी डेट्स हैं वगैरह वगैरह तो उसमें एक पोस्ट है क्योंकि अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम uh, के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए हर तरह से चाहे वो उसका एग्जाम का पैटर्न हो आपका सिलेबस हो कट ऑफ हो और जॉब प्रोफाइल भी क्यों ना हो सपोज कीजिए आपने इतनी मेहनत करी आपने सारी चीजें कर ली और आपको फिर जॉब आप में मजा नहीं आ रहा है आप वो चीजें उस तरह से कर नहीं पा रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे तो एक जरूरी है हर चीज की अपनी एक इंपॉर्टेंस है तो ये वीडियो उसी उसी बारे बारे में उसी के बारे में के पर होने वाला है तो पहले एक बार हम जरा जो पोस्ट आई है उनको देखते हैं एंड देन उसके बाद हम इसकी जो जो प्रोफाइल उसके बारे में बात करेंगे वीडियो के एंड तक जरूर देखना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप भी सब्सक्राइब जरूर कर लो ये कटआउट है ये कुछ वैकेंसीज आई थी

Even, और इसमें 30 तक आपकी एज लिमिट जो है वो मांगी गई है पच्चीस नौ से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए तो मतलब छब्बीस सितंबर 1993 से आगे तक आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो होनी चाहिए 2005 के बीच में कम से कम अठारह साल है मैक्सिमम इसकी

और फीस भी आपकी सेम डेट का यहाँ पर आपको दिया हुआ है और आपको जो कॉल लेटर जो आपको मिलेगा कॉल लेटर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको एग्जाम से दस दिन पहले एग्जाम की डेट अभी अभी नहीं आई है 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 बस एग्जाम का अभी क्या है हमारे पास जो पैटर्न और जो डेट है बस खाली वो आई है कि कब से आप कब तक फॉर्म भर सकते हैं चलिए बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी की एलिजिबिलिटी बहुत जरूरी है इसमें मांगे आपसे पीजी है ना अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अदरवाइज इस फॉर्म को आप फिल मत कीजिए ये वीडियो आप यहीं से बैक कर सकते हैं अगर आपने पीजी नहीं किया हुआ है तो ठीक है पीजी मांगा है आपसे okay. बात, बात कर लेते हैं रीजनिंग आएगी इंग्लिश आएगा डी आएगा जनरल आएगा टोटल 200 क्वेश्चंस आएंगे 200 नंबर के हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम रहेगा टाइम का देखें तो रीजनिंग के लिए पचास मिनट इंग्लिश के लिए तीस मिनट डी आई के लिए पैंतालीस मिनट और जी के लिए पच्चीस मिनट ढाई घंटे का आपका पेपर है दो सौ आपके सवाल हैं पैटर्न से मुझे देखकर लग रहा है कि ये जो है आपका पूरा का पूरा, पूरा बैंकिंग बेस्ड बैंकिंग पैटर्न बेस्ड होने वाला है पैटर्न का बैंकिंग का पैटर्न रहेगा डिटेल में उसके लिए मैं एक वीडियो बाद में ले आऊंगा कि पैटर्न यहाँ पर क्या रहेगा अभी तक मुझे यहाँ पर ये बैंकिंग जो है वो दिखाई दे रहा है ठीक है जी चलो अब अगर बात करें कट ऑफ का स्कोर तो वहां पर क्या है वन इज टू फाइव मतलब एक सीट पर पांच जो बच्चे हैं वो इंटरव्यू के लिए आगे जाएंगे इंटरव्यू आपका होगा सौ नंबर का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे सौ में से पचास नंबर आपको लेके आने हैं तभी आपका सिलेक्शन जो है वो आगे होगा तो ये सारी चीजें थी बहुत बेसिक बेसिक ये आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा विक्रम सर ने भी इसके बारे में आपको बताया था जब नोटिफिकेशन आया था तो वो सब आपने वहां पर भी देख लिया होगा मैंने आपको रिकॉल कर दिया बात करते हैं मुद्दे की काम क्या है करना क्या है क्यों मुझे इतने सारे पैसे मिलेंगे क्यों मैं इतना बड़ा एग्जाम निकालू इतनी मेहनत करूं और ग्यारह पोस्ट के लिए मैं अप्लाई करने के बाद मैं काम करूं काम क्या करना होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं चलिए जी कुछ यहाँ पर ये यह चीजें हैं जो आपको वहां पर देखनी पड़ेंगी एज अ सुपरिटेंडेंट उसके बारे में बात करते हैं वेयर हाउस बेसिकली जहां पर भी इसमें बेसिकली जो काम है आपका वो जाता है आपका जो भी खाने पीने की चीजें जो हो रखी होती हैं सामान जो रखा होता है उससे कहीं ना कहीं जो ये इसका कनेक्शन है वो है जो है वो होता है तो पहला है आपके इसमें वेयर हाउस ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या करना है आपको उसमें आपका पूरा पूरा एक वेयर हाउस होगा उसमें जो भी डे की डे जो भी रोज उसमें ऑपरेशंस होते हैं माल आता है माल जाता है कौन सा माल कहां पर रखा जा रहा है कौन से माल को उठाने वहां से आसानी होगी किस टाइप के गुड एक साथ रखे गए हैं किस टाइप के गुड्स एक साथ नहीं रखे गए हैं ये सारी चीजें आपको जो है पूरी की पूरी वो मैनेज करनी पड़ेंगी किस सामान को मैं कहां पर रखूं ताकि वो खराब ना हो और किस सामान को मैं कहां पर रखूं ताकि मुझे उस, मुझे उसकी जल्दी से एक्सेस मिल जाए छोटा सा एग्जांपल आप शॉपिंग करने जाते हैं किसी भी मार्ट में कोई भी मार्ट आप उठा लीजिए आपको पता होता है कि अगर मैं इस सेक्शन में जाऊंगा आपको नहीं पता जो वहां के वर्कर्स हैं उनको पता होता है कि इस सेक्शन में पर्टिकुलरली मुझे नमकीन मिल जाएगी यहाँ पर मुझे घर के सामान मिल जाएगा यहाँ पर मुझे जो मेरा यहापिक वगैरह मतलब एक टाइप के सामान वहां पर अलग अलग जो है वो रखे होते हैं एक सेक्शन बच्चों का है एक सेक्शन लेडीज का है इस तरह से वो पूरा का पूरा मैनेज करना वेयर हाउस वाला पार्ट सेकेंड आता है इन्वेंट्री कंट्रोल इंप्लीमेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट टू प्रोजेस टू मेंटेन एक्यूरेट स्टॉक लेवल एंड प्रिवेंट ओवरस्टॉकिंग ऑफ स्टॉक आउट आपके वहां पर अब कितना सामान है कितना सामान आपके जो वेयर हाउस में रखा गया है वो सफिशियंट है कितना सामान जो है वो आना चाहिए ये सारी चीजें रेगुलर स्टॉक सामान को ट्रैक करना कितना सामान आज बाहर निकला कितना सामान आज नया गया वो थोड़ी अंदर की चीज होगी पर ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे ये नहीं कि आपको एक एक मतलब मैं नहीं बोल रहा कि आपको सारे करने पड़ेंगे बट कुछ भी इसमें से आपको काम उठा के जो है वो पकड़ा दिए जाएंगे ठीक है जी उसके बाद ऑडिट करना कौन सी चीज कब आई कितनी चीजें कम है ठीक है ये सारी चीजें फाइन ओके डेटा की एक्यूरेसी करना इन्वेस्टिगेट करना रूट कोर्स को ठीक है और उसको ठीक करने के लिए हम क्या क्या उसमें एक्शन जो है वो ले सकते हैं आगे चले लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेशन मतलब आपके यहाँ सामान कैसे कैसे आ रहा है किस तरह से आपके यहाँ सामान पहुंच रहा है ट्रक्स में आ रहा है ट्रेन में आ रहा है बहुत चीजें आपने मालगाड़ी देखी होगी मालगाड़ियों में ही ये सारे सामान तो जाते हैं चाहे गवर्नमेंट के हो चाहे वो प्राइवेट के हो है ना तो लॉजिस्टिक्स क्या होता है कि आपका जो पूरा प्रोसीजर है, है कि हमें किसको ठेका देना है है ना कौन कौन हमारा सामान लेकर आ रहा है कौन सी गाड़ी हमारा सामान ले जाएगी कौन सी गाड़ी किस टाइम पर आएगी कौन सी गाड़ी कब निकलेगी यहां से बाहर ठीक है वो हो गया आपका लॉजिस्टिक्स वाला पार्ट नेक्स्ट आपका टीम लीडरशिप ये तो भाई देखो बहुत बेसिक चीजें आपको करनी ही पड़ेगी आपके अंडर बहुत सारे लोग काम करेंगे पहले बार आपका बहुत अच्छा है तो उन लोगों को मैनेज करना उनका एक लीडर आपको जो है वो बनकर रहना पड़ेगा है ना चलो आगे देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल एंड सेफ्टी अब जो सामान आपने रखा है उस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए उस सामान की आपको सेफ्टी भी रखनी है सामान खराब ना हो कौन सा सामान सपोज जैसे बहुत टाइम हो गया कि सामान इकट्ठा हो जा रहा है हुए जा रहा है आपको देखना है कौन सामान को पहले निकालना है ये भी आप देखोगे क्योंकि अगर एक्सपायरी डेट भी होती है चीजों की तो एक चीज पहले पहुंच गई वो तो वहां पर वो दबी रह जाएगी तो उसको पहले निकालो उसकी क्वालिटी देखो क्वालिटी जो है पहले निकल रही है सेफ्टी देखो उसकी वो खराब ना वो चीज है ना गोडाउन में बहुत सारी चीजें होती हैं बिजली कहाँ पर है कहां पर नहीं है कटआउट्स कहाँ पर लगे होते हैं चूहे वगैरह बहुत चीजें होती है, है ना वो सारी आपको यहाँ पर देखनी पड़ती है ठीक टू प्रिवेंट स्पॉयलेज और डैमेज मतलब बेसिकली आपको क्या है कि कोई चीज खराब ना हो और कोई चीज डैमेज ना हो उसके लिए आप क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन करना ही पड़ेगा सामान आ रहा है सामान जा रहा है डॉक्यूमेंट भी तो बनाओगे उसके है ना इतना सामान आया इतना सामान गया कौन सामान लेकर आया कौन सामान लेकर गया और उसको रिपोर्ट करना ये हो गया आपका डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्टिंग फाइन आगे बात करते हैं प्रोसेस इंप्रूवमेंट की अब आपने काम किया आपको बोल दें कि यार इस डिपार्टमेंट में ना ये चीजें अच्छी नहीं हो रही है इसको आप इंप्रूव करो इसकी जो फंक्शनिंग है उसको हम स्मूथ कैसे कर सकते हैं है ना इंप्रूवमेंट आपसे वहां मांगा जाए कि जो प्रोसेस जो पूरा चल रहा है उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं नेक्स्ट है Next, आपकी कस्टमर सर्विस अब आपके जो कस्टमर्स हैं आप किससे डील कर रहे हैं चाहे आपके पास आ रहे हैं या आप किसी के पास जा रहे हैं वो भी चीज आपको देखनी पड़ती है रेगुलेटरी कंप्लायंस मतलब डॉक्यूमेंट्स ठीक है भारत सरकार के अंदर आप काम करेंगे सिंपल सी बात है तो भाई जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है कि इतना सामान आया इसको आगे ले जाओ इसको पीछे ले जाओ प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्स आपको फिर अकाउंटेंट से मिलना पड़ेगा आपको आपके जो लीगल एडवाइस है आपको वो लेनी पड़ेगी तो सारी की सारी चीजें आपको जो है वो करनी पड़ेगी ये सारा काम आपका सुपरिटेंडेंट का होगा देख के लग रहा हो कि बहुत हेक्टिक काम है बहुत परेशानी वाला है बट भाई विद क्या बोलते हैं उसको विद ग्रेट रिस्पॉसिबिल विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ग्रेट वर्क ऐसे अगर कुछ चीज होती है मुझे अभी याद नहीं आ रही मतलब जितना ज्यादा आपका काम होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वैसी आपकी तनख्वाह होगी तो वही आप उसको हाँ पर समझ सकते हैं, ना तो ये होंगी रेगरी और, और देखें तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस सारे के सारे ये सभी कुछ आपका जो है वो आपको करना पड़ेगा ये आपकी जॉब प्रोफाइल होती है सुपरिटेंडेंट की ये आपको वहां पर काम करना होगा तो आई होप आपको थोड़ी चीज क्लियर हो गई होंगी मुझे मेरा क्या काम है क्या काम नहीं है कल से फॉर्म जो है इसके स्टार्ट हो जाएंगे मतलब छब्बीस छब्बीस तारीख से इसके फॉर्म जो स्टार्ट हो जाएंगे ये वीडियो में आज ही बना रहा हूं जब जरिए नोटिफिकेशन आया है तो इसलिए मैं बार 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 जो मैं कल बोल रहा हूं तो 26 तारीख से आपके जो फॉर्म्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे तो फटाफट से फॉर्म को फिल कर दो अगर आप बैंकिंग एक्सपीरियंट है तो बहुत अच्छी बात है आपका सिलेबस लगभग लगभग सेम होगा बस आपको एग्जाम देना है उसके बाद आपका डीवी है और आपका इंटरव्यू है और कुछ भी नहीं करना तो तैयारी में लग जाओ बहुत बढ़िया नौकरी है बहुत अच्छा पे स्केल है पचपन साठ साठ के आसपास आपको जो सैलरी जो है वो इन हैंड जो बहुत आराम से मिल जाएगी इसमें उसके ऊपर बाद में हम और वीडियो में बात कर लेंगे अभी जॉब प्रोफाइल आपको क्लियर हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कोर्स के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो तो भी आप नीचे लिख दीजिए अगर कोर्स आपको उसका करना है पढ़ना है हमसे तो हमारे साथ एग्जाम के साथ यू कैन प्रिपेयर फिफ्टी परसेंट फास्टर तो यही था मेरी तरफ से तो इस वीडियो में मिलते हैं फिर कभी किसी और वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर देना तो फिर थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे